कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक बागली विधानसभा के कमलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह के लिए वोट की अपील की। इस बीच मुकुल वासनिक ने यूपी के लखीमपुर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बागली को जिला बनाने के साथ साथ बागली में उद्योग लगाने की भी बात कही। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पीएम द्वारा 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के जश्न पर तंज कसते हुए कहा कि देश भर में कोरोना से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई है, पर एक आंसू नहीं टपका। इसके साथ ही सज्जन वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही बागली को जिला बनाएंगे। खाते गांव कन्नौज जाए तो वहां जिला बनाने की बात कर ले। खाते गांव कन्नौज को जिला बनाऊंगा। बागली आए तो बोले मैं बागली को जिला बना दूंगा। अब कमलनाथ जी बोलते हैं कि कलाकारी की राजनीति कोई सीखना हो तो शिवराज से सीखे, तो देवास जिले के अंदर ही दो दो जगह जिले बनाने की बात कर रहा है। साथियों चिंता मत करना, हम फूट परस्ती डालने वाले नेता नहीं है, हमारी पार्टी फूट परस्ती नहीं डालती। कन्नौज खाते गांव के लोगों के साथ बागली के लोगों को बिठा के जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन जिले का निर्णय करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे।